दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कप्स एंड बीन्स में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन सुंदर गुलाब के फूलों के साथ। वीडियो के टॉपिक की ओर अब हम चलते हैं। दोस्तों, मैं आज ऐसे एक फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जिसका यूज आप अपने सारे प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप अपने सब्जियों के पौधों में, फूलों के पौधों में, फलों के पौधों में भी कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर आपको केमिकल फर्टिलाइजर पसंद नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये फर्टिलाइज़र हर घर में पाए जाने वाले, जिसे आप कूड़ेदान में डालने वाले थे, अब आप इसका उपयोग कर अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाने और ज़्यादा फूल पाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप अपने पॉटेड प्लांट्स के सॉइल को या गार्डन सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये है सारे सब्जियों और फलों के छिलके। इनसे आप बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो आपके प्लांट को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जो आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र को बनाना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 दिनों तक के सब्जियों और फलों के छिलकों को जमा कर लिया है। इन छिलकों में गाजर के छिलके, जिसमें कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, बीट रूट के छिलके, आलू के छिलके जो कि पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, केले के छिलके जो कि आयरन और पोटेशियम से भरपूर होता है, और बहुत सारे सब्जियों के छिलके लिए हैं। आप चाहें तो इन सब्जियों के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब चलिए देख लेते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है और अब ये सारे सब्जियों के छिलकों को मैं इसमें डाल दूंगी। और अब इन सभी को अच्छे से मिला देती हूँ। मिला लेने के बाद आप इसे किसी ढक्कन से ढक दें और 8 से 10 दिनों में ये फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं, चलिए देखते हैं फर्टिलाइज़र का क्या हाल है। अब फिर आप इसे अच्छी तरीके से मिला दें, ढक्कन से फिर से ढक दें। आठ से दस दिनों के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा स्मेल भी आ सकता है, तो इसलिए आप अपने नाक को किसी कपड़े से ढक लें। अब इस लिक्विड को आप छान लें और इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करके करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 1:2 के रेशियो में ले सकते हैं, यानी कि एक भाग आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लें और 2 भाग आप पानी ले लें और इसे अच्छी तरीके से मिला लें और इसे अब आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप हर 2 से 3 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।